भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला दोस्तों खेला जाएगा धर्मशाला के मैदान में, और ये मुकाबला शुरू होगा भारतीय समय अनुसार 7 बजे शाम के 15 सितंबर को। और इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, और साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों भारतीय टीम तैयार है इस मुकाबले के लिए, जहां युवा गेंदबाजों के साथ टीम इंडिया उतरने वाली है वहीं पर शानदार अनुभवी बल्लेबाज भारतीय टीम के पास मौजूद रहने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं भारतीय टीम की पूरी प्लेइंग 11 की, किन किन खिलाड़ियों को यहाँ पर मौका मिल सकता है पहले T20 मुकाबले में। तो भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर उतरने वाले हैं रोहित शर्मा और शिखर धवन, दोनों काफ़ी शानदार प्लेयर हैं। यहाँ पर इस मैदान में रोहित शर्मा तो पहले भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक लगा चुके हैं T20 में, और एक बार फिर इसी तरह का प्रदर्शन की उम्मीद रहने वाली है क्योंकि काफ़ी शानदार T20 प्लेयर हैं रोहित शर्मा। वहीं पर शिखर धवन भी अपनी पुरानी फॉर्म में लौटते हुए दिख रहे, जिस तरह से इन्होंने साउथ अफ्रीका 1 के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इसके बाद दोस्तों नंबर 3 पर विराट कोहली उतरने वाले हैं और नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर। दोस्तों विराट कोहली भी T20 के काफ़ी शानदार प्लेयर है और उन्हें यहाँ पर इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करके अपनी टीम की जीत तय करनी होगी क्योंकि उनका बल्ला काफ़ी शानदार तरीके से चलता है। वहीं पर श्रेयस अय्यर को भी अपने आप को साबित करने का यहाँ पर एक बेहतरीन मौका मिलने वाला है। इसके बाद दोस्तों विकेट कीपर के रूप में रहने वाले हैं ऋषभ पंत, और उनके साथ ऑलराउंडर के तौर पर उतरने वाले हैं हार्दिक पांड्या। शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं ऋषभ पंत यहाँ पर, जिस तरह से उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ आखिरी मुकाबले में शानदार पारी खेली थी उसी तरह की बारी की उम्मीद रहने वाली है। वहीं पर यहां पर चोट के बाद वापसी कर रहे हार्दिक पांड्या से भी शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी की उम्मीद रहने वाली है क्योंकि काफी शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं हार्दिक पांड्या भी। इसके बाद दोस्तों दो शानदार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और कुणाल पांड्या यहाँ पर उतरने वाले हैं। दोनों के पास यहाँ पर शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन करने का मौका है, जिस तरह का प्रदर्शन ये करते हैं बल्ले और गेंद से दोनों शानदार प्लेयर हैं और यहाँ पर फील्डिंग में भी महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं इस मुकाबले में। वहीं पर दोस्तों इसके बाद तेज गेंदबाजी की बात करें तो यहाँ पर उतरने वाले हैं खलील अहमद और नवदीप सैनी, दोनों शानदार प्लेयर हैं, उभरते हुए सितारे हैं जो कि यहाँ पर शानदार गेंदबाजी कर सकते हैं। हालांकि इनके पास अनुभव की थोड़ी कमी है लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर इनका प्रदर्शन शानदार रहेगा इस पहले T20 मुकाबले में। इसके बाद दोस्तों आखिरी नंबर पर उतरने वाले हैं दीपक चहर। दीपक चहर भी शानदार फॉर्म में, आखिरी T20 मुकाबले में काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया था इन्होंने, और जिसके चलते यहाँ पर इन्हें प्लेइंग 11 में मौका जरूर मिलेगा और इनके शानदार प्रदर्शन की उम्मीद रहने वाली हैं। तो दोस्तों आपके हिसाब से भारतीय टीम के लिए पहले मुकाबले में कौन कौन से खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही पहला T20 मुकाबला कौन जीतेगा ये ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।